हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद जी ए। आज हम बनाएंगे शकरकंद की खीर, जिसके लिए मैंने आधा किलो शकरकंद ले लिए हैं। इन्हें स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। इनको मैंने कट करके वॉश कर लिया है। आप इन्हें वॉश करने के बाद एक कुकर में रख लें। मैंने इनको कुकर में रख लिया है। मैं इसमें ये एक कप दूध डाल दूँगी और इनको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इन्हें आप तब तक बॉईल कर लें जब तक ये अच्छे से गल जाए, और हाथ से आप इनको टच करके देख लें ये मैश होने लगे तो इसका मतलब ये बॉईल हो गई है। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। शकरकंद अच्छे से बॉईल हो गए थे, उसके बाद मैंने इसको मैश कर लिया है। इसको बॉईल होने में 10 मिनट लगे हैं। जब भी आप शकरकंद को बॉईल करें, आप उसके छोटे छोटे पीस बनाएं और उसको कट करके आप लो फ्लेम पे रख दें। पहले आप फ्लेम को हाई कर दें। हाई करने के बाद जब कुकर में प्रेशर बन जाए, आप फ्लेम को लो कर दें और उसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे ये अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। इस टाइम पर अच्छे से बॉईल हो गए, मैंने इनको मैश कर दिया है। इसमें कोई भी बड़ा चंक्स नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम इसमें ये दूध ऐड कर देंगे। मैंने खीर में दूध डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ये हरी इलायची डाल दूंगी, ये मैंने चार ली है। उसके बाद इसमें मैं ये एक प्याला चीनी डाल दूंगी और इसको हाई फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जिससे ये हल्की सी थिक हो जाए। मैंने इसमें एक किलो से ज़्यादा दूध यूज़ किया है। आप दूध अपनी मर्जी से रखें। इस टाइम पर ये पतली है, इसको अब मैं पका लूँगी थोड़ी देर हाई फ्लेम पर। हमारी यमी सी खीर थिक होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पका लूँगी। आप खीर को पहले ज़्यादा थिक नहीं करें, वरना ये रखे रखे और भी थिक हो जाती है। इसको मैं 10 मिनट के लिए और पका लूँगी मीडियम फ्लेम पे और ये बनके तैयार हो जाएगी। हमारी यमी सी शकरकंद की खीर बनके तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी यमी लग रही है। इसका टेक्स्चर कलर खाने में भी बहुत यमी होती है। इसे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश किया है। बाकी मैंने इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, क्योंकि ये प्लेन ही खाने में अच्छी लगती है। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही यमी लगती है, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।